ज़्यादा चौड़ा कर दिया गया है। ये कॉमन बिल्डिंग कोड आपको दिख रहा सामने से, ये आप देखिए कॉमन बिल्डिंग कोड दोनों साइड में सेम। जय श्री राम, मैं पवन यादव अयोध्या से, और आज हम आपको दिखाने वाले हैं अयोध्या के भक्ति पथ का निर्माण। और आज भक्ति पथ जो है किस तरीके से दिखता है वो हम आपको दिखाते हैं। और जो भाई भक्ति पथ नहीं जानते हैं तो मैं बताना चाहता हूँ, भक्ति पथ वो भक्ति पथ है जो कि सीताहट से शुरू होता है और सीधे आपको हनुमानगढ़ी का दर्शन, कनक भवन और श्री राम जन्मभूमि यहाँ का दर्शन कराता है। माओ मंदिर आप जा सकते हो, तो काफ़ी मुख्य रोड है। और हम चलते हैं सीधे, आपको दिखाते हैं, पहले गलियों से हम चलते हैं और सीधे पहले कनक भवन पहुँचते हैं। कनक भवन पहुँच के तब सारी जो डिटेल है, क्या निर्माण हुआ है, कैसे निर्माण हुआ है, कॉमन बिल्डिंग कोड को फॉलो किया गया है कि नहीं, रंग पेंट हुआ है कि नहीं, सब कुछ हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। अभी आप ये राजस्थानी स्टाइल में आप देखो यहाँ पर मंदिर बना हुआ है येलो कलर का, इधर साइड यहाँ पर ये पुरानी हवेली टाइप में बना हुआ है मंदिर है ये। और इधर से हम गली में से मुड़ेंगे और सीधे चलेंगे अंदर, सीधे कनक भवन की तरफ। ये सीधे कनक भवन लेकर जाता है रास्ता। आप ये गलियाँ देखो, अगर कभी भीड़ हो अगर कनक भवन जाना हो तो येलो वाला जो मंदिर आप देख रहे हो उसके 10 कदम आके राइट हैंड साइड में गली गई है जो ये सीधे कनक भवन निकालता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना और आप सीधे जा सकते हो। कौन कौन इस गली से आया हुआ है मुझे बताना। यहाँ पर भी धर्मशाला आपको मिल जाता है अंदर में, यहाँ पर बहुत सारे धर्मशाले या होटल खुल रहे हैं। ये आप देखिए यहाँ पर भी आपको धर्मशाला दिख जाता है। मंदिरें हैं, पुरानी पुरानी प्राचीन मंदिरें हैं इधर साइड में, और इधर साइड देखिए ये भी जो है अन्य क्षेत्र है। यहाँ पर आपको भंडारा वगैरह मिल जाता है, कभी कभी भंडारा होता रहता है। देखिए ये रास्ता आप जो देख रहे हैं इसका भी निर्माण चल रहा है, इसका भी थोड़ा चौड़ीकरण जो है वो चल रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया ये रास्ता। ये देखो नाली वगैरह सही किए जा रहे हैं। और हम पहुँच गए हैं कनक भवन के पास, अम्मा जी रसोई के पास। ये आप देखिए यहाँ पर जो है ना आपको धर्मशाले, होटल, भोजनालय ये सब भी दिख जाते हैं। देखिए यहाँ पे ये अम्मा जी रसोई है, जो यहाँ पर स्पेशल खाने जो हैं वो आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर ये आपको ये कनक भवन है जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। और ये चीज़ देखिए यहाँ पर स्ट्रीट फूड जो है आप खा सकते हो, जैसे कि ये चाट हुआ, ये आपको मिल जाता है ना पापड़ी चाट। और यहाँ पर ये रेस्टोरेंट है कनक रसोई, जो कि हमारे राइट हैंड साइड मिल जाएगा। ये भोजनालय है, बेस्ट फूड मिलता है पूरे अयोध्या में, सबसे अच्छा अम्मा जी रसोई और कनक रसोई में, दो जगह फूड जो है काफ़ी अच्छा मिलता है। और मेरा पर्सनली ओपिनियन यही रहता है कि आप यही दो जगह भोजनालय करो, यानी भोजन करो रात में या दिन में, काफ़ी अच्छा रहता है। यहाँ से शुरू हो जाता है सीधे, अगर आप जाते हो तो ये आप राम मंदिर में भी जा सकते हो। और इधर साइड देखिए बहुत सारी जो दुकानें हैं चालू हो जाती हैं श्रृंगार वगैरह की। देखिए भीड़ काफ़ी ज़्यादा लग रहा है इधर, ये आप देखो। तो भाई बीच बीच में हॉर्न बजाना पड़ रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं, क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा लग जाती है और पब्लिक जान नहीं पाती है कि बाइक खड़ी है। ये है आपको दशरथ महल, इसका रिनोवेशन हो रहा है। और इस साइड देखिए इस साइड आप देख रहे हैं ये सीधे राम जन्मभूमि जाता है, और इधर साइड ये कॉमन बिल्डिंग कोड है। ये आप देखो भाई साहब रोड का निर्माण आप देखो कितना ज़्यादा चौड़ी कर दिया गया है भाई। श्रद्धालुओं को देखिए एकदम मन खुश होकर जाते हैं। इधर शिवर के काम अभी हो रहे हैं जो कि लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हो। और बाकी इधर कॉमन बिल्डिंग कोड में जितने दुकानें दिख रही हैं ये देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। और एक बात और है इसमें, राजद्वार मंदिर का जो है रास्ता इधर से कर दिया गया है, इसे श्रद्धालु जो हैं अब ऊपर जाएंगे, पहले नहीं जाते थे श्रद्धालु, नहीं जाते थे ऊपर इस वाले मंदिर में जो राजद्वार मंदिर है। ये श्री राम भरत मिलाप है, देखिए यहाँ पर किस तरीके से निर्माण जो है वो पूरे किए जा रहे हैं। इधर साइड ये आप देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ही बड़ी मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो इसका जो है ड्रोन शॉट मैं कुछ दिन में दिखाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं उड़ा सकता हूँ ड्रोन विद परमिशन के साथ। तो आप देखो बहुत ही प्राचीन मंदिर है और भीड़ काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है यहाँ पर।
और हम हनुमानगढ़ी पहुंच गए हैं। देखिए यहाँ पर लड्डुओं की दुकानें बहुत लगी हुई हैं। देखिए पूरे लाइन से यहाँ पर लड्डुओं की दुकानें जो हैं आपको दिख जाती हैं। अंदर में पार्किंग है, जहाँ भाई खड़ा है उसके अंदर में आप जाओगे तो पार्किंग आपको दिख जाएगी। ये हनुमानगढ़ी का आगे का परिसर है, देखो कितना ज़्यादा चौड़ी किया गया है हनुमानगढ़ी का परिसर। इधर साइड ये पूरा हनुमानगढ़ी का परिसर आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके से जो है वो दिखता है पूरा। ये हनुमानगढ़ी से ये हनुमानगढ़ी, और यहाँ पर बीच में बहुत सारी दुकानें हुआ करती थी जो कि अब पूरी तरीके से ख़त्म हो गई हैं, टूट गई हैं, तो इसको काफ़ी ज़्यादा चौड़ा कर दिया गया है। और यहाँ बहुत सारी जो मिठाई की दुकानें हैं आपको दिख जाती हैं, स्पेशली यहाँ पर लड्डू जो है आपको बेसन के वो मिलते हैं, क्योंकि हनुमान जी को लड्डू काफ़ी प्रिय थे, इस वजह से यहाँ पर ज़्यादातर लड्डू ही आपको मिलेगा। भाई देखिए बहुत भीड़ रहती है बहुत, ये आप देखिए रास्ता कितना ज़्यादा चौड़ा कर दिया गया है। ये कॉमन बिल्डिंग कोड आपको दिख रहा सामने से, ये आप देखिए कॉमन बिल्डिंग कोड, दोनों साइड में सेम घर सेम कलर में आपको दिख रहे होंगे, ये काफ़ी अच्छी बात है। अभी यहाँ पर रंग पेंट जो है अभी हो भी रहे हैं, ये आप देखो। कौन कौन इस रास्ते से आया है मुझे कमेंट करना, और क्या आपको क्या महसूस होता है इस रास्ते से मुझे अपना एक्सपीरियंस बताना भाई, और जो आ रहा है वो ज़रूर बताना भाई, सच्ची बता रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, और काफ़ी दिन बाद मैं आ भी रहा हूँ इधर साइड। तो ये आ गया श्री राम पथ, यहाँ पर आपको भोजन वगैरह मिल जाएगा, आप राम मंदिर के दर्शन करने के आइए, यहाँ पर मस्त आप भोजन करिए, बहुत सारे भोजनालय यहाँ पर दिख जाएंगे। और अंदर में भी जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था अम्मा जी रसोई और कनक रसोई, ये सब भी ना काफ़ी अच्छी रसोई हैं, वहाँ पर आप जाकर भोजन आप कर सकते हो। और गाड़ी वगैरह आपको पार्क करना हो तो गाड़ी वगैरह आप यहाँ पर पार्क कर सकते हो, बट यहाँ पर मेले की वजह से यहाँ पर बहुत सारी दुकानें जो है श्रृंगार वगैरह की लगी हुई हैं। यहाँ पर आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा, सारी सुविधा जो है आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो इधर साइड भी आप देखो, ये सीधे आपको लता मंगेशकर चौक, लता मंगेशकर चौक से अगर आप राइट मुड़ोगे तो आप सीधे अयोध्या बाईपास पहुँच जाओगे, और अयोध्या बाईपास से सीधे अपने घर, क्यों भाई सही कहा ना मैं। तो यहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा लग जाती है ऑटो की वजह से, तो जितने भी आप ऑटो देख रहे हो ना ये सब भी हटने वाला है, और यहाँ पर सरकारी इलेक्ट्रिक बस जो है वो चलने वाली है। देखिए यहाँ पर निर्माण किए जा रहे हैं श्री राम पथ का, अभी डिवाइडर के काम जो हैं वो बचे हुए हैं, देखिए डिवाइडर किस तरीके से अभी काम जो है चल रहा है डिवाइडर का। तो आप बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाबा टेक केयर, बोलिए जय श्री राम जय अयोध्या धाम।